किया इन फिजिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली पहले तो हमने नेचर डिस्कस किया, साइज डिस्कस किया, एटॉमिक साइज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब डिस्कस किया। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया, क्लियर है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिस्कस किया। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस किया था बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या एयर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, ऐसे हेलोजन कंपाउंड, कार्बोनेट देखा, नाइट्रेट देखा, सल्फेट देखा, इस तरीके से आपने प्रॉब्लम देखी। उसके बाद हमारे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स में बेसिकली क्या देखा हमने? सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था आपका NaOH देखा। ओके, NaOH को डिस्कस करना। नाउ एनीवन टेल मी, चिले सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता बेटा? एनएनओ3 NaNO3। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला, ग्लोबर सॉल्ट, Na2SO4 Na2SO4 .7H2 डॉट सेवन नहीं होता बेटा, 10H2 होता है, 10H2। 10H2। ओके, नाउ ट्रोना जानते हो? ट्रोना, ट्रोना सोडियम, ट्रोना होता है आपका। इन केस अगर कभी आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है? Na2CO3 कार्बोनेट प्लस बाई कार्बोनेट डॉट 3H2O। ओके, यहाँ पर 2 टाइम्स होता है, 2 + 1 3H2O, याद रहेगा, याद रहेगा ना बेटा। नाउ टिन केल क्या होता है? टिन केल, टिन केल द ओर ऑफ सोडियम है, ये सारे सोडियम के ओर है। टिन केल, बोरेक्स जानते हो? Na2B4O7.10H2O, अच्छा ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, बोरेक्स को भूलना ही नहीं। बोरेक्स मत भूलो, चिले सॉल्ट पीटर मत भूलो, ग्लोबल सॉल्ट मत भूलो, बाकी सारे कुछ भूल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक कास्टनर प्रोसेस आइडिया है। कास्टनर प्रोसेस क्या होता है? डाउन प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, डाउन प्रोसेस कौन बताएगा मुझे? डाउन प्रोसेस किससे रिलेटेड है? एनीवेज NaOH से? पक्का? एनसीएल NaCl से रिलेटेड है। ओके, अच्छा इसमें बनता क्या है बेटा, ये बताओ, डाउन प्रोसेस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करते हैं? NaCl का करते हैं। और क्या होता है साथ में? CaCl2 CaCl2 NaF प्लस NaF ले सकते हैं, KF ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पता लगा मैंने NaF लिखाया एग्जाम में, KF आया, बोले सर ने तो बताया नहीं था, ऑप्शन टिक नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, -1 चल जाएगा। तो ओके, तो दोनों ले सकते हैं, NaF भी ले सकते हैं, KF भी ले सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं बेटा ये? NaCl का रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट कम करने के मेल्टिंग लिए। पॉइंट कम करने के लिए, वेरी गुड। ओके, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। तो इस प्रोसेस में हमको क्या मिलता है? सोडियम मिलता है बेटा, याद करो। ओके, इन दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन सोडियम, सोडियम मिलता है इस प्रोसेस में हमको। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो आई थिंक ये आपको कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा इनऑर्गेनिक के लिए कौन सा बुक रेफर करते हो आप लोग? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, नॉट फॉर कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई बुक रेफर करते हो क्या? एनीबॉडी? ओके, पीके जायसवाल है। ओके ओके, अच्छा है। सो चलो स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 2। ओके, चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख रहा हूं मैं आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एनएच
NH2, वेरी गुड. कौन कौन से मेटल्स होते हैं इन दिस ग्रुप? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. वेरी गुड. ओके, लाइक बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड आरए का नाम बताओ बेटा क्या होता है? आरए, रेडियम. रेडियम, रेडियम ये आपका स्टार मार्क कर लो इसमें, ये रेडियो एक्टिव होता है. ओके, बाकी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं, बेरियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4, 12, 20, 38, 56, 88 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. क्लियर है? नाउ सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बना सकते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो ना, तो यहाँ पर होमवर्क लिया आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है. क्लियर है ना? समझ में आ जाएगा ना? हेलो, फुल क्लियर ना? बोलो बेटा, प्रॉब्लम कुछ डाउट तो नहीं है? बना लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एग्जाम में आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है, जेई में तो कभी नहीं आया. ओके, सो चलो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फिजिकल properties. Physical properties में first of all of you know that all these elements कौन से color के होते हैं बेटा? Grayish white color के होते हैं. Grayish white color समझते हो? And harder than alkali metals. Any idea क्यों harder होते हैं बेटा? क्यों hard होते हैं? Any idea? अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपस में, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना इसकी, इन कंपेयर टू एल्कली मेटल्स ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं. ओके, तो इसलिए हार्डर होते हैं. नाउ अब अगर मैं पूछूं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक. ओके, डायमैग्नेटिक है इसका मतलब कलरलेस होंगे. कलरलेस होंगे ना? कलरलेस बोथ इन आयनिक एंड मेटल स्टेट. पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड, जो आपका इसको डिफाइन करता है, वही पॉइंट है. स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. समझ में आया? लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए ये एलिमेंट्स आपके हार्ड होते हैं इन कंपेयर टू एल्कली मेटल्स. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया पॉइंट? 1, 2, 3, 4 पॉइंट हो गए. ओके, 4 पॉइंट इनफ है आपके लिए. ओके, नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है एटॉमिक साइज. क्या है बेटा? एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो, सेम टू सेम. ओके, तो अभी बताओ
एटॉमिक साइज मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीजेस. ओके क्यों इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है बेटा बोलो? एक्स्ट्रा एनर्जी सेल. ओके सब सेल इंक्रीज होता है या ऑर्बिटल इंक्रीज होता है. ओके तो एक्स्ट्रा एनर्जी सेल इंक्रीज होता है. ओके नाउ अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका बोलो? सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो बेटा. चलो मैं बता देता हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है. कुछ का आपका FCC टाइप मिलेगा और कुछ का आपका SCP टाइप मिलेगा. नाउ ये तो आपको ही बताना पड़ेगा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है HCP में और CCP में. कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी? 74% किसमें, FCC में या HCP में? FCC दोनों में आती है. समझे समझे बेटा? क्या नाम? शिव प्रसाद. क्लियर है ना? थोड़ा सा सॉलिड स्टेट याद करते रहो, भूलो मत. ओके नाउ अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर ट्रेंड्स कैसा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा. ओके तो डाउन द ग्रुप जाने पर भी तो डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा हम लिख सकते हैं बेरिलियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट HI हाईएस्ट. ओके एंड मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, एक्सेप्शन समझो. मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम रहता है. कम क्लियर है ना? इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है. ओके और नॉर्मली आपका डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है. समझे बेटा? तो उसका रीजन क्या है एमजी का? किसका? एमजी. एमजी का आप बताओ रीजन क्या होता है, ये थोड़ा आपके लिए छोड़ दिया मैंने, सिंपल है क्वेश्चन बेटा, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा पहले से पढ़ के आया करो, सिंपल सा रीजन होता है. नहीं पता? डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए. डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो नहीं होता, बोलो बोलो. कोवेलेंट है. कोवेलेंट तो आपका ये भी शो करता है. चलो लिख लो यहाँ पर, नो डी ऑर्बिटल, अभी इसका रिलेशन आप मुझे बताओ. डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेट करता है? मैंने आपको रीजन बता दिया कि रीजन ये है, रिलेट आप करो किस तरीके से होगा. कर पाओगे रिलेट? बोलो कर पाओगे कि नहीं?
अरे बेटा सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दीज एलिमेंट हायर होते हैं बिकॉज, अच्छा इनका मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में बताओ हायर होंगे या कम होगा? हायर होंगे। हायर ओके। नाउ क्यों होता है बेटा हायर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ओके इसका मतलब ये होगा बेसिकली डी ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे तो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहेंगे इन सॉलिड स्टेट में। ओके अभी इसके बारे में आप लोग बताना मुझे, ये आपके बारे में होमवर्क है। ओके मैं क्लियर करूंगा। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ रीजन आपका डी ऑर्बिटल ही है। ओके डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा आप लोग सोच के बताइए क्या होता है। क्लियर है? कर पाओगे ना? थोड़ा सा तो पढ़ो, एनसीईआरटी उठा लो उसमें मिल जाएगा। बाकी मैं नहीं बोलता कोई ओपी टंडन वगैरह कुछ उठा, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं यहीं पर पॉइंट लिख दूं लाइन डाल करके तो भी जगह है काफी। आयनाइजेशन एनर्जी बताओ मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता बेटा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा बेटा? एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीजेस। ओके एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। ओके नाउ यहां पर लिख लो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ विजिबल लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता विथ विजिबल लाइट। समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ रुको 2 मिनट। हाँ क्लियर हुआ ना बेटा? ये नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ विजिबल लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो? याद करो मैंने बताया था पोटेशियम एंड रुबिडियम, पोटेशियम एंड सीजियम बताया था मैंने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बताया था ना बेटा? यस सर। ओके तो यहाँ पर विजिबल रीजन में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। एनी आइडिया बेटा क्यों नहीं होता है? अच्छा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ ओके वो तो ठीक है। ये बताओ आयनाइजेशन एनर्जी अगर बात करूं इसमें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो ना बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकलेगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ टेल मी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ओके ऑल ऑफ यू एग्री ना? तो यहाँ पर लिख सकते हो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपका ज्यादा होगा। वैल्यू किसी का याद नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको क्या ट्रेंड्स याद करना है। क्लियर है? नाउ टेल मी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके अगर मैं बोलूंगा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा होगा? बेरिलियम और लास्ट में कौन सा? बेरियम है। बेरिलियम ओके तो मैं लिख सकता हूँ, इसी में लिख लेते हम लोग, बेरिलियम इज लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा आरे, रेडॉन को नहीं हम कंसीडर, रेडियम को नहीं कंसीडर करते हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बेरियम।
नाउ लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव. कंपाउंड्स ऑफ बीई कोवेलेंट इन नेचर, समझे बेटा? आयनिक कंपाउंड कम बनाएगा जब पॉजिटिव कैरेक्टर ही नहीं उसके पास उतना, तो आयनिक कंपाउंड्स कम बनाएगा. समझ गए बेटा? इसका मतलब जो आपका बीई प्लस टू है दैट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. पॉइंट क्लियर हुआ? जो आपका बीई प्लस टू है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये फॉर्म नहीं होता है. क्लियर है ना? तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और अच्छा इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर्स दोनों कर सकते हैं एक साथ. ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर. क्या लिखेंगे बेटा डाउन द ग्रुप? इंक्रीजेस, इसका मतलब होता है बेटा डाउन द ग्रुप. ओके, और इंक्रीज मैं इस तरीके से लिखता हूं, लास्ट में ईएस लगाता हूं, इसका मतलब होता है इंक्रीज. क्लियर है ना पॉइंट? पॉइंट क्लियर है ना? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आया, आपको इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा. डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, बताओ मुझे. डेंसिटी क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है? डिफर ड्यू टू डिफरेंसेस इन क्रिस्टल साइज. बेटा जो इसकी क्रिस्टल साइज है, साइज मैंने बताया ना बेटा, क्रिस्टल साइज एचसीपी होता है और एफसीसी होता है. क्रिस्टल साइज और क्रिस्टल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर लो, यहाँ पर साइज मत करो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इसकी वजह से इसका डेंसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाता है बेटा. देखो कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम स्ट्रॉन्शियम बी ए, ये इसकी डेंसिटी का ऑर्डर है. याद रहेगा कि नहीं, किस तरीके से याद करना? देखो बेटा सिर्फ सिर्फ आपको याद करना, देखो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ये तो आपका ऑर्डर ही रहता है. देखो यहाँ पर अगर याद करने का तरीका होता है, क्यों है मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया डिफर ड्यू टू द डिफरेंस इन क्रिस्टल साइज, वैसे डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज ही होना चाहिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीज होना चाहिए. बट क्या होता बेटा, मेटल आर डेंसर दीज मेटल. अच्छा इसमें डिफरेंस बताओ कि डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स और डेंसिटी ऑफ दीज मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों में डिफरेंसेस या डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? इस मेटल का ज्यादा होगा कि अल्कली मेटल का ज्यादा होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मींस दीज मेटल्स आर डेंसर देन द अल्कली मेटल्स ड्यू टू द बिकॉज सेम पीरियड में आपका एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, इससे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उसकी साइज छोटी हो जाती है और ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है बेटा, मतलब जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और साइज आपकी कॉम्पैक्ट हो जाती है, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है,
तो इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझे कि नहीं? देखो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने बोला ये सेम एलिमेंट है फॉर एल्कली मेटल्स के लिए, ओके, एंड सेम एलिमेंट मतलब सेम ग्रुप का एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर बेटा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे, तो इसका जो जेड इफेक्टिव है बेटा वो इसको काफ़ी अच्छे से खींचेगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा ना, तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बोलो। जेड इफेक्टिव जानते हो कि नहीं? जेड इफेक्टिव जानते हो या नहीं, बोलो। अरे बेटा बोलो ना कोई, जेड इफेक्टिव जानते हो या नहीं, क्या होता है जेड इफेक्टिव? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं। आदित्य, आदित्य हीरे, बोलो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर में तो प्रोटॉन ही होते हैं ना बेटा, तो प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, यहाँ पर 11 थे यहाँ पर 12 हो गए, जब जे इंक्रीज हो गए प्रोटॉन इंक्रीज हुए तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, तो लास्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसका मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये ज़्यादा लगेगा, तो ये साइज इसकी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी इन कम्पेयर टू दिस एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल्स, ओके। जब साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो गई और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे भी ज़्यादा बढ़ गए, मतलब वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, एम आपका बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज होगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेम कंडक्टिविटी, दीज मेटल्स आपके कंडक्टिव होते हैं या नहीं होते, बताओ बेटा मुझे। कंडक्टिविटी, ओके, दीज आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ओके। नाउ कंपेयर करो बिटवीन ग्रुप वन में, अगर बात करूं मैं ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकेंड ए, कौन सा ज्यादा कंडक्टर होगा? सेकेंड वाला, क्लियर है ना, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं द फ्लेम कलर, या फ्लेम टेस्ट लिख सकते हो, फ्लेम कलर लिख सकते हो, रीजन क्या होगा उसका, किसका? कंडक्टर बेटा, यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल करने के लिए, वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है मोबाइल करने के लिए, समझे? लिख लो यहाँ पर, टू लूजली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे? इसमें बेटा टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आपका वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबाइल करेंगे, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी बेटा, बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेम टेस्ट, या फ्लेम कलर बोल सकते हैं, फ्लेम कलराइजेशन बोल सकते हैं, ओके। तो बेसिकली यहां पर देखो जो आपका बीई होता है, बीई आपका बेरिलियम मैग्नीशियम, दीज हैज नो कलर,
इनका कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? रीजन भी लिख लो यहाँ पर, ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड डिफिकल्ट टू एक्साइट। समझ में आया ना? इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं है, डिफिकल्ट टू एक्साइट होंगे। रीजन समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? बाकी रिमेनिंग मेटल्स क्या होंगी? जस्ट लाइक आपका कैल्सियम है, स्ट्रॉन्सियम है एंड बेरियम है, इसका क्या कलर होगा? एनीबॉडी, किसी को आइडिया? शायद कभी पढ़ा हो, इसका होता है ब्रिक रेड कलर, इसका होता है डार्क रेड कलर एंड इसका होता है एप्पल ग्रीन। ओके, सो दीज एलिमेंट समझ में आया बेटा? ये कलर समझ में आया? अब कलर क्यों होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो क्या होता है, एनर्जी बोल सकते हैं और वेवलेंथ बोल सकते हैं, वो आपका रिलीज करता है। ओके, एंड दैट विजिबल रीजन में रिलीज करता है, तो इसका मतलब वहां पर वो कलर आपको शो करता है। समझ में आया? इसका अगर लैंग्वेज आपको पढ़ना है किस तरीके से कलर शो करते हैं, तो आप जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप था वहां पर मैंने लिखाया है अच्छे से, वहां पर आप लोग पढ़ लेना। क्या होता है बेसिकली, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट टू इट्स हायर एनर्जी स्टेट। ओके, एंड जब इलेक्ट्रॉन आपकी कम बैक टू या रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जब आपके ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होता है, तो दे गिव आउट अ एनर्जी, एनर्जी बाहर निकलती है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं वेवलेंथ बाहर निकलती है। सर्टेन पर्टिकुलर फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है, या फिक्स फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, वो बाहर निकलती है, जिससे हमको उस फ्रिक्वेंसी का, उस वेवलेंथ का कलर शो होता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं? चलो हाइड्रेशन एनर्जी देखो, नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी का पॉइंट आपको बताना है। हाइड्रेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ओके, ना बताओ मुझे, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी किसे बोलते हैं आप? पहले मुझे डेफिनेशन ही बता दो, व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी? व्हेन अ गैसेस एंड इट्स मिक्स्ड विद वाटर, देन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, बेसिकली आपका, आप ये बोल रहे हैं कि जब आपका एम टू आयंस होगा, लाइक आपका एम प्लस टू आयंस होगा, इसको आप वाटर में करते हो, तो आपका M प्लस टू एक्वस बनता है, यही होता है ना? हाँ, एक्वस में चेंज करते हैं प्लस आपका एनर्जी, और या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो M ऑफ H2O, X अमाउंट ऑफ H2 आ जाएगा एंड यहाँ पर प्लस टू आएगा, इफ हियर इज X अमाउंट ऑफ वाटर, इस तरीके से भी लिखा जाता है। लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा? नाउ यू नो दैट कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिपेंड करती है बेटा साइज पर। साइज पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? हाइड्रेशन एनर्जी साइज पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? लास्ट टाइम मैंने बताया था काफी कुछ एक्सप्लेन किया, the degree of hydration and amount of hydration energy decreases as the size of ions increases down the group जाने पर। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट लिखेंगे,
द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज